धर्म के कितने चरण होते हैं? चार। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं। सत्य, दया, दान और तप, ये चार चरण हैं। सत्य, दया, दान और तप। सत्य, इस कलयुग में धर्म के चार पांव में से तीन पांव टूट चुके हैं, ओनली एक पांव से बैल खड़ा है। तो राजा परीक्षित ने देखा कि वह बैल भी एक ही पांव से खड़ा था। इस कलयुग में तीन पांव टूट चुके हैं धर्म के, सत्य टूट चुका है। आज सत्य बोलने वाले लोग इस कली काल में नाक के बराबर हैं। लाख दो लाख लोगों में शायद कोई एक सत्यवादी हो, मैं 100-200 लोगों में नहीं कह सकता, लाख दो लाख लोगों में शायद सत्यवादी एक हो जो झूठ ना बोलता हो। इस कली काल में सत्य का पांव टूट गया, सत्य बोलने वाले नहीं रहे, नाक के बराबर हैं। दूसरा, सत्य के बाद दया। आज लोगों के भीतर दया भी नहीं है, दया भी नाक के बराबर रह गई है। यदि दया होती तो लोग मांस क्यों खाते, मुर्गी मछली और बकरा बकरी को मार क्यों डालते। आज लोग निर्दयी हो गए हैं, दया नहीं है। आज सड़क में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, वह तड़प रहा हो तो लोग वीडियो तो बना लेते हैं लेकिन उसकी मदद नहीं करते। इसका अर्थ है कि लोग निर्दयी हो गए हैं, दया उनके अंदर समाप्त हो गई है। आज लोग हेल्प नहीं करते, मदद नहीं करते। यदि आप मदद के लिए पुकारें भी तो कई लोगों को लगता है यार मदद करने जाएंगे कहीं हम ही ना उलझ जाएं, फंस जाएं, इसलिए लोग बगल से निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर दया नहीं रह गई। सत्य भी चला गया, दया भी चली गई। सत्य, दया और तीसरी है तपस्या, तप। इस कलयुग में तप भी नष्ट हो गया, कोई तपस्वी नहीं है, कोई तपस्या करने को तैयार नहीं है। आज लोगों के अंदर तपस्या बिल्कुल नहीं है, लोग तपते नहीं है, तपना जानते नहीं है। थोड़ी देर के लिए एसी बंद हो जाए तो लोग तपते नहीं है, तपस्या बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम कहा करते हैं कि आपको तपना होगा, भक्ति की आग में अपने आप को स्ट्रांग करना होगा। सोने को चमकाना है उसे आग में डालना होता है। उसी प्रकार जो भक्ति की आग में तपते हैं वही जीवन में खिलते हैं, वही जीवन में आनंदित होते हैं, भगवान को प्राप्त करते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि हमें तप करना चाहिए, बिना तपस्या के भगवान नहीं मिलेंगे। अच्छा, तपस्या किसे कहते हैं? तपस्या का अर्थ यह नहीं है कि आप सब छोड़कर जंगल चले जाएं, केवल इसका नाम तपस्या नहीं है। समाज हमें गालियां दे फिर भी हम उस गालियों का कोई उत्तर ना दें, यह भी एक तपस्या है। अपमान को सहन कर लेना, यह भी एक तपस्या है। बरसात को सहन कर लेना, यह भी तपस्या है। सर्दियों को सहन कर लेना, यह भी तपस्या है। और गर्मी को सहन कर लेना, यह भी तपस्या है। पत्नी का किया हुआ अपमान सहन कर लेना, समाज का किया हुआ अपमान सहन करके कोई उत्तर ना देना, यह भी तपस्या है। इसका भी नाम तपस्या ही है। लेकिन आज लोग तपस्वी बिल्कुल नहीं है। एक बार जरा पति पत्नी को कुछ कह दे तो पत्नी मायके भाग जाती है। एक छोटी सी बात पर वह झगड़ा कर लेती है या कर लेता है। अर्थ यह हुआ कि आज लोग तपस्वी नहीं है। इस कलयुग में सत्य, दया और तप, यह तीन पांव धर्म के टूट चुके हैं। ओनली एक पांव से बैल खड़ा है। कौन सा पांव बचा है? केवल दान। ये न केन विधि दीने, दान करे कल्याण। आज यदि समाज में धर्म टिका है तो वह केवल दान के बल पर टिका है। इस कलयुग में केवल दान रह गया है। आज दान के बल पर ही सब कुछ चल रहा है। इसलिए आपका, आपके पास भी एक उपाय है, आप भी दान करते हुए अपने आप को धर्म से जोड़े रखिएगा। यह आज बड़ा फैशन चल रहा है शराब पीने का।
लोग महंगी महंगी शराबें पी रहे हैं। अरे भाई, शराब पियोगे तो भी नाश हो जाएगा। यदुवंशी आपस में लड़कर क्यों मर गए? क्योंकि उन्होंने आपस में शराब पी ली आखिरी में। और जब आपस में शराब पी के लड़ाई झगड़ा किया तो सब चले गए। तो ये शराब तो हमेशा आपस में लड़ाती है, और ये शराब यदि पिएगा कोई तो वह भगवान का ही वंशज क्यों ना हो। शराब पीकर तो उसकी भी गति नहीं है, इसलिए शराब ना पीना। बात समझ में आई? यदुवंशी आपस में अंत में शराब पी के उन्मत्त हो गए थे, जिसके कारण वो आपस में लड़के मरे। किसके कारण मरे आपस में लड़के? जोर से बोलो, शराब के कारण। ये शराब हमेशा आपस में लड़ा के मारती है, इसलिए शराब बिल्कुल ना पीना। अपने बच्चों को दूर रखना शराब से। और आप यदि शराब पी रहे, कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम शराब का नशा नहीं करते, शौक में थोड़ी सी कभी कभी ले लेते हैं। हाँ, तो क्या जरूरी है शौक में ऐसे लोगों की संगति ही क्यों करना जो शराब पीते हैं? मैं तो कभी नहीं पीता, शौक में भी नहीं पीता। अरे शौक करने ही है तो शराब के क्या शौक करते हो? भगवान के नाम जपने का शौक करो, कथा करवाने का शौक रखो, दान पुण्य करने का शौक रखो, सेवा करने का शौक रखो। शराब पीने का शौक क्या शौक है? हाँ, अच्छे काम करने की आदत बनाओ। शराब पीने की क्या आदत बनाते हो? क्या हमारे देश से गरीबी चली गई? क्या इस गरीबी के लिए आप कुछ काम नहीं कर सकते? 2 रुपए एक्स्ट्रा कमाओ, ज्यादा से ज्यादा कमाओ और जरूरतमंदों की सेवा करो। ऐसे भी टाइम पास हो सकता है तुम्हारा, लेकिन तुम केवल शराब पीकर टाइम पास करना चाहते हो। क्या समाज में आपकी जरूरत नहीं है? क्या समाज को अच्छे लोगों की जरूरत नहीं है? आज याद रखना, समाज में शराबियों की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे शराबी तो मर ही जाए तो अच्छा है, कुछ जनसंख्या भी कम हो जाएगी, महंगाई भी नियंत्रित हो जाएगी। आज समाज में शराबियों की जरूरत नहीं, आज समाज में समाज सेवकियों की जरूरत है, समाज सेवियों की जरूरत है, जो समाज की सेवा करें, जो गरीबी से लड़ने में उन गरीबों की मदद करें। शराब तुमने 100 रुपए की पी ली, 200 रुपए की पी ली, क्या होगा इससे? सच्ची बताऊं, गरीबों को गरीबी से यदि नहीं उबरने दे रही है तो शराब नहीं उबरने दे रही है। गरीब आदमी 500 रुपए कमाता है तो 250 रुपए की शराब पी लेता, उसकी आदत है, लाख छोड़ना चाहता है, छूटती नहीं है। यदि शराब बंद हो जाए तो गरीबी अपने आप नष्ट हो जाएगी देश से, क्योंकि आदमी कमाएगा, उसका पैसा नशा में नहीं जाएगा, पैसा बचेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, शिक्षा भी मजबूत होगी, देश भी मजबूत होगा, आर्थिक स्थिति भी मजबूत। पर सरकार तो सोचती है कि शराब नहीं बेचेंगी तो हमारा टैक्स कैसे बनेगा। ये सोच बिल्कुल गलत है। शराब बंद करके देख लो, खजाने भी सरकार के भरे रहेंगे और समाज में जो बहन बेटियों का सुहाग उजड़ जाता है वो सुहाग भी बचेगा। हजारों लोगों का चूल्हा केवल इसलिए बुझा पड़ा है क्योंकि उसका पति, उसका पुत्र, उसका भाई शराबी है। बताओ, जिसका पति, जिसका पुत्र, जिसका भाई शराबी है, क्या वह स्त्री सुखी रहती है? जवाब दो हाँ या ना में। क्या शराबी की पत्नी कभी सुखी रह सकती है? क्या शराबी की मां कभी सुखी रह सकती है? क्या शराबी की बहन कभी सुखी रह सकती है? क्या शराबी की बेटी कभी सुखी रह सकती है? ना मेरी माँ, ना तो शराबी की माँ सुखी रह सकती है, ना पत्नी सुखी रह सकती है, ना बेटी सुखी रह सकती है, कोई सुखी नहीं है शराबी। इसलिए शराब का तो बहिष्कार करना चाहिए पूर्ण रूप से। सरकार को तो बैन लगा देना चाहिए शराब पर। आज जितने भी दुष्कर्म
जितने भी पापाचार होते हैं अधिकाधिक पापाचार शराब के नशे में होते हैं। आज आपको पता है हमारा देश शराब की लत में बढ़ता ही जा रहा है, हमारा देश नशे की चपेट में आता जा रहा है। शराब भारत में 100 में से 95% बच्चे ऐसे हैं जो कोई ना कोई नशा कर रहे हैं। संपूर्ण भारत में केवल 5% बच्चे ऐसे हैं जो नशों से बचे हुए हैं। केवल 5% लोग ऐसे हैं जो नशा नहीं करते, नहीं तो कोई नशा, चाहे वो आप सिगरेट पी रहे हो। आजकल का बच्चा या तो सिगरेट पी रहा है, या तो पाउच खा रहा है गुटखा, या तो शराब पी रहा है, या हीरोइन इत्यादि, क्या वो आता है अफीम चरस इत्यादि का लोग सेवन कर रहे हैं, महंगे महंगे नशों का। हर लोग कोई ना कोई नशे से प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं। जरा विचार करो कि इस भारत का क्या होगा, क्या ऐसे नशेड़ियों से देश का उत्थान होगा? क्या यही भारत का भविष्य है? जो आदमी अपना ख्याल नहीं, शराब के नशे में धुत आदमी जो अपना ख्याल नहीं रख सकता, वो अपने परिवार और अपने देश की क्या रक्षा करेगा? जो अपनी शराबी तो अपनी भी रक्षा नहीं कर पाता, ठीक से चल नहीं पाता, चार लोग पकड़ के उसे घर में लाते हैं। तो शराबी जो अपनी रक्षा ना कर पाया, वो अपने परिवार की और अपने देश की क्या रक्षा करेगा? इसलिए सबसे बड़ी दुश्मन यदि है तो शराब है। सरकार को चाहिए कि शराब पर बैन लगाए। शराब की बोतल पर ही लिखा रहता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और पढ़े लिखे लोगों को इतनी सी लाइन समझ में नहीं आई। तुम पढ़े लिखे हो कि क्या हो? यदि पढ़े लिखे होते तो ये ही पढ़ लेते कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और नहीं पढ़ पा रहे हो, शराब की बोतल में ही कंपनी लिख रही है, जो बना रही है वही आपको सावधान कर रही है मत पीना, फिर भी पी रहे हो, तो तुम्हारे जैसा अनपढ़ कोई नहीं है। पढ़े लिखे अनपढ़ तुम्हें ही कहा जाता है। शराब पीने से नुकसान होता है यह कंपनी कह रही है बनाने वाली शराब, और तुम पिए जा रहे हो, मतलब तुम्हारे जैसा अनपढ़ हमने नहीं देखा। क्या कहेंगे आप बताइए? शराब पीने वालों को आप पढ़ा लिखा कहेंगे कि अनपढ़ कहेंगे? शुद्ध गंवार इनको कहते हैं। इन्हें वो भी समझ में नहीं आता जो बोतल में लिखा है। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पढ़े लिखे मूर्ख तुम ही हो जो शराब पीते हो। शराब ने किसी का चूल्हा नहीं जलाया आज तक, सबके जलते हुए चूल्हों को बुझाया है। पर विडंबना यह है कि आजकल बच्चे शराब शौक में पीते, महाराज जी नशा नहीं है, दोस्ती यारी में कभी कभी ले लेते हैं। अरे पगले, ऐसे लोगों की दोस्ती यारी भी क्या करना जो शराबी हैं? अरे भक्तों की दोस्ती यारी करो तो भक्ति का रंग चढ़ेगा, शराबियों की क्या दोस्ती यारी करना? ऐसे लोगों से तो दूर रहना चाहिए। याद रखना मेरी माँ, संगति अच्छे लोगों की करना चाहिए। दो कौड़ी के आदमी के संग ना खड़े हो जाना, नहीं तुम्हारी हैसियत भी दो कौड़ी की हो जाएगी। सब्जी की तराजू पर मक्खी जाकर बैठ जाए तो उस मक्खी की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन वही मक्खी जाकर सुनार सोने की तराजू में बैठ जाए तो कम से कम वो मक्खी 1 ग्राम की होकर 1000 रुपए तो कमा लेगी। कहो, यदि मक्खी सोनी जी की तराजू में बैठ जाए तो कुछ तो वजन देगी अपना, और देगी तो चलो 500 का तो वजन देके जाएगी। आज की महंगाई में तराजू में बैठती है, यदि सब्जी वाले की तराजू में मक्खी जाकर बैठ जाए तो उस मक्खी की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वही मक्खी सुनार की तराजू में बैठ जाए तो कम से कम 500 की हो जाती है। बस संगति है मेरी माँ, तुम किसके साथ जाकर बैठ रहे हो? यदि अच्छे लोगों के साथ बैठ जाओगे तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी, और यदि दो लोग कौड़ी के लोगों के संग बैठोगे तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। आप किनके साथ बैठते हैं? दुर्योधन शकुनी के साथ बैठता था, अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ बैठते थे। आपकी संगति कैसी है?
आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कौन करता है? आपकी संगति करती है। जैसी संगत वैसी रंगत। मक्खी भी 500 की हो जाती है सोनार की तराजू में बैठकर। तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी यदि अच्छे लोगों की संगति करोगे, और यदि संगति बिगड़ गई ना मेरी माँ, शराबियों की संगति करोगे, गंजेड़ियों की संगति करोगे, नालायक लोगों की संगति करोगे, तुम भी नालायक ही तो बनोगे। लायक कैसे बनोगे? लायक बनना हो तो लायक लोगों की संगत किया करो। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए, लोहे का एक टुकड़ा पानी में डूब जाता है, पर वही लोहा नाव से जब जुड़ जाता है, समुद्री जहाज में हजारों टन लोहा लगा रहता है, वह लोहा नहीं डूबता, लेकिन लोहे का एक टुकड़ा पानी में डूब जाता है। तो किसी ने कहा, क्यों लोहा पानी, तुमने लोहे को डुबा दिया और नाव को नहीं डुबा रहे हो, क्यों? क्योंकि जो लोहा नाव की संगत नहीं करता वह तो डूब जाता है, पर जो नाव को पकड़ लेता है वह लोहा स्वयं भी पार हो जाता है, औरों को भी पार लगा देता है। जो व्यक्ति सत्संग से नहीं जुड़ता वो स्वयं डूबता है, औरों को डुबाता है, और जो सत्संग से अपने आप को जोड़ लेता है वह स्वयं भी पार हो जाता है, औरों को भी पार लगा देता है। जीवन में सत्संग का बड़ा महत्व है। रावण ने चाटुकार मंत्रियों की संगति की तो रावण की लंका समाप्त तो हो गई, और विभीषण ने राम जी की संगति की तो लात मार के निकाला था रावण ने विभीषण को, लेकिन संगत राम की तो राम जी ने उसे राजा बना करके बिठाल दिया। संगत का ही तो नतीजा था, और क्या था? जिसे समाज अपमान करके घर से लात मार कर निकालती हो, यह वह भी यदि राम जी की संगत में चला जाए तो वह भी राजा हो जाता। अब आप देख लो कि आपके और आपके बच्चों की संगति कैसी है। जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है संगति का। कैकई ने मंथरा की संगति की, परिणाम सब जानते हैं। कलयुग का दूसरा ठिकाना है शराब। जहां शराब होती है वहां सर्वनाश।